मगर असब्र फरमाया वसब्र अला अरबा शोब या अरबा अते शोब, सब्र के चार शाखें हैं। सब्र की चार शाखें हैं, ठीक। चूंकि गिनती याद कराने में जरा मुश्किल पेश आती है, और एक जमाना था जबकि हमें गिनती याद करवाई जाती थी 1 2 3 या 1 2 3। अब तो बड़ा अच्छा निज़ाम है कि तस्वीरों के जरिए से पढ़ाई कराई जाती है। 1 एप्पल बना दिया, प्लस 1 एप्पल और लगा दिया, अब ये 2 सेब हो गए। अब 2 याद ना हो, सेब तो याद रहेंगे। तो इसलिए आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मैं आपको करीब ला रहा हूं कि सब्र की तारीफ सैयद साबरीन के जद अमजद मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जुबान से किया। सब्र की चार शाखें हैं, चार शाखों में एक है खौफ, अल खौफ, एक है अशौक, अशौक पहले, और खौफ का लफ्ज नहीं है, अशफक, खौफ इसका तर्जुमा किया गया, अशौक वल खौफ कह लीजिए, ठीक, व जोहद व तरक्कुब, एक जोहद एक तरक्कुब। जोहद का मतलब तर्क दुनिया, तरक्कुब का मतलब इंतजार। हमने कल बात की कि सब्र का तर्जुमा क्या है, मुआशरे में कुछ ना करना, और सब्र का पैगाम क्या, कुछ करना। लेकिन शायद इन सब्र के माना को हासिल करने के लिए इमाम फरमाते हैं बस जिस शख्स को भी शौक हो जन्नत में जाने का, शौक जन्नत में जाने का, फमनिश्ता काइलल जन्ना सला अनिशहवात, इसको जन्नत में जाने का शौक हो अपने आप को शहवतों से रोक लेता है, इसको जन्नत में जाने का शौक है, शौक नहीं, नहीं है, नहीं है, बार बार ताबीरात जो बताई गई हैं कि तुम्हें जन्नत में क्या मिलेगा, ये जो फ्रूटियां खाते हो ए साहिबान ईमान, इससे बहुत उम्दा वहां मिलेंगे। शायद पाकिस्तान में ये बात कही जाती हो तो मैं समझता हूं शायद पाकिस्तान में जो फ्रूट मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। अरे यहां शारजा में आकर तो अच्छे मिल जाएंगे, जन्नत हो गई। फामन इश्ताक इलल जन्ना, जिसे जन्नत का इश्तियाक हो उसे और कुछ करना हो ना हो, सला अन शहवात, वो अपनी शहवात से रुक जाएगा। वमन अशफक मिनन नार, और जो जहन्नुम से खौफ करता हो, इश्तनबल मुहर्रमात, वो अपने आप को हराम से बचा लेगा। और जो शख्स जोहद इख्तियार कर ले, वह मनसाहिदा, अब मैं जुमला वो नहीं कहूं जो आप ख्याल कर रहे हैं कि तर्क दुनिया कर देगा, नहीं, दुनिया तो हमारे लिए बनी है क्योंकि हम मोमिन हैं, दुनिया हमारे लिए बनी है मगर हम दुनिया के लिए नहीं बने। अगर ये जुमला आसान हो जाए तो बहुत सी मुश्किलात आसान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, दुनिया हमारे लिए। मगर हम दुनिया के लिए नहीं बने, ठीक। तो अब तर्जुमा जो लोग करते हैं जोहद का मतलब तर्क दुनिया, इमाम फरमाते हैं
वमन जहदा इस्तहाना बिल मुसीबत, कि जो जहद इख्तियार कर ले उसके लिए मुसीबतें बहुत हल्की हो जाती हैं, उसके लिए मुसीबतें बहुत हल्की हो जाती हैं। जहद का मतलब ये तरके दुनिया मखसूस नहीं है, बल्कि मुसीबतों का वेट कम हो जाता है। वो मुसीबतों को ऐसे हंसकर सहते हैं जिसे मुसीबत मुसीबत ना हो, वरना तो राहत भी मुसीबत है। दलील दूं आपको, बड़ी परेशानी होती है अगर कोई ऐसे हॉल में ले जाके बिठा दे या रूम के अंदर जहां एयर कंडीशन बहुत फुल स्पीड में काम कर रहा हो, तो जो आसाइश है वो मुसीबत में तब्दील हो जाती है। मुझे गर्मी के जमाने में सर्दी लगने लगती है। वमन जहेदा इस्तहाना बिल मुसीबत, जो जहद इख्तियार कर ले उसके लिए मुसीबतें बहुत हल्की हो जाती। तोहीन का मतलब मामूली एहानत, हिकारत, बहुत मामूली हीच। वमन इर्तकवा इलल मौत, और जो मौत का मुंतजर हो, फकद सारा इलल खैरात, वो नेकियों की जानिब जल्दी करता है। तो ये चार काम है सब्र में, सब्र में चार काम हैं। नंबर एक शौक जन्नत का, नंबर दो खौफ जहन्नुम से। जन्नत के शौक का रिजल्ट क्या है? शहवास से परहेज करना। जहन्नुम के खौफ का मतलब क्या है? मुहर्रमात से इज्तनाब करना। जहद का मतलब क्या है? मुसीबतों को इतना लाइट लेना, इतना हल्का लेना कि मुसीबत मुसीबत ना लगे, बल्कि मुसीबत को आपकी हिम्मत देखकर खुद डर लगे। अब शायद इस मौजू पर फिर वो कि करबला में मौत छुपती फिरती थी और आशिकाने हुसैन ढूंढते फिरते थे, भाई कहां